Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video, I'm gonna show you one quick and super easy DIY. So let's get started. इस DIY के लिए हमें चाहिए a bowl of warm water, some nail polish, आप किसी भी कलर का nail paint ले सकते हैं, and whatever you are gonna marble. I'm using coffee mugs. I have one suggestion here. आप ऐसा ही बॉल यूज करें जिसकी आपको बाद में जरूरत नहीं है बिकॉज नेल पेंट इज गोना लीव सम रेसिड्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये रेड कलर का नेल पेंट पानी में डाल रही हूँ। ये खुद से ही पानी के सरफेस के ऊपर फैल जाएगा। अब हम इसमें कॉफी मग लेकर 3-4 सेकेंड्स के लिए डुबा कर रखेंगे एंड इट्स डन। Our beautiful water marble mug is ready. Next water marble mug के लिए मैं multicolor nail paints का use कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे pink, brown, red and green color के nail paints को mix कर लिया है। अब हम बिल्कुल same process follow करेंगे। इस mug को हम पानी में 3-4 seconds के लिए डुबा कर रखेंगे and it's done. Wow, I'm just amazed. Guys, this turned out so beautiful. तो आप इस तरह के water marble mugs को बना के घर में decoration के लिए भी use कर सकते हैं या किसी को gift भी कर सकते हैं। आप single color का use करें या multi color का, दोनों ही दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। I decided कि मैं अपने कुछ और white color के plain pots का DIY करूँगी। आप DIY करने के बाद इन pots को 1 hour के लिए fan के नीचे रख दें, जिससे ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे। उसके बाद आप इनको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट टर्नड आउट। मैंने अपने घर के कलर थीम का ध्यान रखते हुए नेल पेंट्स का सिलेक्शन किया था। आप अपने घर के कलर थीम के हिसाब से सिलेक्शन करें। इन डेकोरेटिव पीसेस को आप कहीं पे भी रख सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ कलर्स ऐड करना है। बिना किसी खर्च के इस DIY का यूज करके आप अपने घर के किसी भी बोरिंग कॉर्नर को सुंदर बना सकते हैं। आप भी इस DIY को ट्राई जरूर करें और मेरे साथ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे शेयर करें। मेरा इंस्टाग्राम ID है होम ऑन ट्यूब। सो मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।